ये मेरे फ्रॉक की ये फ्रंट पार्ट है फ्रॉक की, अब इसी में हम अस्तर लगाएंगे, ये अस्तर हमको इसी पे रख कर कटिंग कर लेंगे इसी के साइज का बराबर। ये देखिए ये हो, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। फ्रंट पार्ट है इसको ऐसे ही रख के ये सिलाई लगा के इसको ऐसे करके ये पलट देंगे। देखिए हम करके दिखाने जा रहे हैं, मेरा अस्तर है जिसको हमने ये देखिए ये अस्तर है, ये हमने ऐसे इसको सीधी साइड रखा है, अब ये उल्टी साइड से हम इसको सिलाई लगा देंगे। ऊपर से मैं इसको बराबर करके जो ये है ये मेरा फ्लावर ये देखिए डिज़ाइन बनी हुई है, इसको हम अच्छे से ऐसे ही करके तब बराबर करते हुए बराबर करते हुए सिल देंगे। ये देखिए ये हम इसको ऊपर से सिलाई लगा ली है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम आपको पलटना दिखा रहे हैं, ये देखिए ऐसे हम इसको ये मेरा ऊपर आ जाएगा ये। अब इसमें हम टॉप स्टिच सिलाई लगा देंगे अस्तर पे ऐसे ही, इससे हमारा बहुत ही अच्छा सेट होता है। अस्तर पे लगाइए दिखेगा भी नहीं, ये फ्रंट पार्ट के कपड़े के लिए और अच्छा भी दिखेगा। ये देखिए ये हमने पूरी सिलाई टॉप स्टिच सिलाई लगा दी है, ये देखिए। इसको करने के बाद हम इसको ऐसे करके आप ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से आप ब्रश कर दीजिए बहुत ही हल्के हाथों से, इससे मेरी बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी सिलाई ऐसे करके हल्के हाथों से। ये देखिए ऊपर भी मेरी सिलाई नहीं दिख रही है, ये देखिए और बहुत ही अच्छा ये सेट हुआ है। ये देखिए पीछे है अस्तर पे लेकिन ऊपर मेरे कपड़े पे फ्रंट पार्ट पे नहीं है, इस तरीके से ही ये अस्तर। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है जो हमने इसमें अस्तर लगा दिया है। अब मुझे चेस्ट इनका पूरा बेबी फ्रॉक का मुझे 23 चाहिए, फ्रंट और बैक दोनों मिला के मुझे 23 चाहिए। ये मुझे फ्रंट पार्ट पे 11.5 चाहिए, ये देखिए ये 11.5 हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 23 हुआ। अब यहाँ पे हम निशान लगा दिए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये रहा 11.5
और यहाँ भी मुझे 11:30 ही चाहिए। ये नीचे ये अब मेरा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये बच रहा है, ये देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये मेरा बैक पार्ट में ये थोड़ा थोड़ा सा स्मोकिंग वाला ये आ जाएगा कपड़ा। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि मुझे कितना कपड़ा चाहिए। देखिए 6 यहाँ है और 6 ही मेरा यहाँ है नीचे। ये देखिए 6 नीचे है और 6 ही ऊपर है, 6 ही है। अब मुझे इसी के अकॉर्डिंग ही ये बैक पार्ट वाला यहाँ पे जो हम कपड़ा अटैच करेंगे उसमें पीछे हम चैन लगाएंगे। तो इसके लिए ये 6 इंच है तो मुझे 1 इंच बढ़ा के कपड़ा कट करना है। ये देखिए हमने कट कर लिया है, ये रहा। मुझे 7 इंच कपड़ा चाहिए, 1 इंच मेरे सिलाई में जाएगी। ये हमने 7 इंच कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम नाप लेंगे कि ये मेरी लंबाई कितनी है फ्रंट पार्ट की, 8.5 इंच। ये मेरा तैयार है, ये मेरा 9 था क्योंकि हमने इसको यहाँ पे देखिए अंदर से ये सिलाई की हुई है 1/2 इंच की। ये मेरा पलट में गया है इसीलिए हम इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी, 9 इंच ये मेरा हुआ। और ये इसी में हम अस्तर ज्वाइन करेंगे। अब ऐसे ही ये मेरा टक से जो हमने कंप्लीट किया है, इसी के ऊपर इसी के साइज का हम ये अस्तर कट कर लिए हैं ऐसे रख के। ये देखिए ये सीधा पार्ट है, इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। अस्तर रख के अब इसी पे हम इस पर सिलाई कर देंगे 1/2 इंच की और इसी हम ऐसे ही पलट के सिल देंगे। अब हम सिलने जा रहे हैं। ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट है जिसमें हम बीच से इसको कट करके चैन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो टक्स तैयार किए हैं इस टक्स पे ये हम अपना अस्तर रख दिए हैं। ये देखिए इसके सीधी साइड पे अस्तर रख के अब इसको पहले हम सिल देंगे। ये देखिए ये हमने सिल दिया है। अब जैसे हम फ्रंट पार्ट पे किए थे अस्तर को, यहाँ से देखिए टॉप स्टिच किए थे सिले, अब ऐसे ही हम इस पे ये कपड़े पे ना करके हम अस्तर पे करेंगे। ये दिखेगा भी नहीं और बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देखिए ये मेरा हो गया। अब इसको हम ऐसे ही फोल्ड करके अब ये देखिए ऐसे प्रेस कर देंगे हाथों से ऐसे। इस तरीके से करने से अच्छे से मेरी सिलाई बैठ जाएगी। ये देखिए ये टॉप स्टिच ये हमने अस्तर पे लगा दिया है। ये देखिए ये अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए सीधी साइड मेरी कहीं भी ऊपर से ये सिलाई नहीं है, ये बैठ भी गया है अच्छे से, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब इस पर हम साइड साइड से एक सिलाई कर देंगे। ये कपड़ा मेरा फिसले ना इसीलिए। इसको सिल के ज्वाइन कर देंगे। इधर भी यहाँ से यहाँ तक हम चारों तरफ ये देखिए इसको हम ज्वाइन कर देंगे सिलाई करके। ज्वाइन करने पर ये कपड़ा मेरा इधर उधर नहीं फिसलेगा, बहुत ही आराम से इसको सिल लेंगे। अस्तर बचा हुआ है अब इसको हम कट करके निकाल देंगे।
इधर भी और इधर भी। इस तरीके से मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम फोल्ड करके बराबर से ऐसे देखिए सेंटर पॉइंट आप मिला लीजिए यहाँ से यहाँ तक, अच्छे से बराबर कर लीजिए। अब यहीं पे हम बीच में कट कर देंगे और यहाँ पे हम चैन जॉइंट करेंगे। ये हुआ। आप अपने सुविधा के लिए आराम से यहाँ पे एक सिलन और भी कर सकते हैं और करने के बाद आप इस पर चैन जॉइंट कर लें। इससे क्या रहता है, ये कपड़ा मेरा इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं होगा तो मैं इस पर यहाँ पर सिलन कर देगा, मुझे चैन लगाने में आसानी होगी। ये देखिए अब इसमें हम चैन जॉइंट करने जा रहे हैं। ये चैन को हम ऐसे पहले फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से ये देखिए ये मेरा ऊपर वाला पार्ट है। अब इसी में हम ऐसे इसको रख के इसी को ये देखिए ऐसे हम इस ये कपड़ा सीधा है, हम इसे साइड पे रख के ऐसे इसको करके हाँ ऐसे ही चैन को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये चैन हम इसको अब ऐसे ऊपर कर देंगे, सिलने में मुझे आसानी होगी। हम उसको देखने लग जाते हैं, इसमें ध्यान ही नहीं पड़ता मेरा। ये देखिए हम यहाँ तक पूरी सिलाई कर दी है। अब ऐसे हम वापस कर देंगे लॉक करने के लिए। आप एक सिलाई भी लगा सकते हैं, हम डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी मुझे बराबर चाहिए लीजिए, थोड़ा और ज़्यादा कपड़ा लेके सिलना है इसीलिए। ऐसे ऊपर से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इधर वाला मेरा ये लग गया है। अब देखिए दूसरी साइड भी हम ऐसे ही इसको ऐसे यहाँ पे रख के ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यही बराबर करके ये पूरा हम सिलते हुए चलेंगे। ये देखिए हम इस पर जो है ये चैन पे सिलन चला रहे हैं। एक सिलन यहाँ पे देखिए ये चलाए थे, अब मुझे थोड़ी सी बारीकी चाहिए, इतनी भी बारीकी नहीं कि चैन पे आ जाए। ये देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए, तो हम इसको कैसे चलाएंगे ये देखिए। मेरे पास सिंगल बूट नहीं है तो आप ऐसे करिए, इससे बहुत ही अच्छा चल जाता है। ये देखिए हल्का सा बूट को ये पीछे वाले स्टैंड को देखिए, ये देखिए इसे हल्का सा ऐसे उठाइए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे धीरे 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 हल्का हल्का सा बहुत तेज़ से उठा के आप चलाते हुए आ जाइए। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कि ये बहुत बारीकी और अच्छी सिलन चलती है, सिंगल बूट का भी मुझे काम नहीं है। ये हुआ। अब देखिए अब यहाँ से देखिए कितनी बारीकी पे में ये देखिए ये चैन जॉइंट हो गया। अब इस पर हम टॉप स्टिच सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ से हम ये देखिए इसको हम ये पीछे ऐसे कर दिए हैं। अब जैसे ये थोड़े थोड़े से रेसे दिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर करके ऐसे चला जाइए, दिखेगा भी नहीं और बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो हम इसको ऐसे सीधा करके चलाना शुरू करेंगे।
ये देखिए ऐसे हम इसको सीधा करेंगे, बहुत ही आराम से टॉप स्टिच से ऐसे चला देंगे। ये देखिए ऐसे आप कपड़े को बराबर करते हुए टॉप स्टिच सिलाई कर दीजिए। ये देखिए जैसे हम इधर किए हैं इस वाले पार्ट में, ये भी देखिए इधर से, अब ये जो थोड़ा थोड़ा सा है ये रेशा निकला हुआ, इसको हम कट करके निकाल देंगे। इधर से भी और ये भी, अब जैसे इस वाले पार्ट में हम किए हैं वैसे ही हम इस वाले पार्ट में भी कर लेंगे। ये देखिए हमने जो चैन लगा ली है इसको हम लॉक कर देंगे। दो से तीन बार आप इस पर सिलाई कर दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। अब इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये चैन मेरा लग गया है। अब देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट जो था, ये साइड साइड से ये है, इस पर हम सिलाई कर देंगे एक बार, यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरी ये सिलाई करेंगे। कपड़ा मेरा फिसले है इसलिए हम इसको टक कर दे रहे हैं। साइड भी हम सिल लेंगे। ये देखिए जो मेरी डिज़ाइन बनी हुई स्मोकिंग की, ये जो ये डिज़ाइन बनी हुई इसको आप अच्छे से ऐसे हाथों से कर दीजिए, उसके बाद आप सिलाई करिए। जिस डायरेक्शन में बना हुआ है ये देखिए, ये मेरा ख़राब ना होने पाए इसलिए हम इसको ऐसे उंगली की सहायता से ऐसे कर दे रहे हैं। अब इसके बाद ये मशीन चलाएँ। पलटना नहीं चाहिए मेरा, ये इधर उधर ना हो, इसी डायरेक्शन में ऐसे इसको हम फॉलो। इसकी सिलाई लगा दी है। अब जो मेरा एक्स्ट्रा ये अस्तर है हम इसको हम खूब अच्छे से कट कर देंगे। चुप आप वीडियो ये देखिए, ये हमने इसको कट कर लिया है, अब ये हो गया। अब ये देखिए जो हमने ये चैन जॉइंट की है, अब इसी को हम ऐसे रख के, ये देखिए ये सीधा है ये, अब इसको हम ऐसे ही रख के यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए सेंटर पॉइंट मिलाएंगे, ये मेरा बराबर है लंबाई। अब इसको हम ऐसे यहाँ जॉइंट कर देंगे और ये यहाँ जॉइंट कर देंगे, ऐसे ही मेरा जॉइंट होगा। देखिए हम सिल के दिखा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, देखिए ये देखिए ये जिप जो है मेरी चैन ये ऊपर लगी हुई है, ये और ये चीज़ ये ऐसे ऊपर ही रहना चाहिए, ये मेरा नीचे ना आए इस बात का ध्यान रखें कि ये मेरा ये सेंटर पॉइंट पे ऊपर जाए। अब इसको ऐसे हम बराबर करेंगे और सिलाई कर देंगे। ऊपर से हम ऐसे ही एक से दो बार लॉक कर देंगे। देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम ये इस पे हम सिलाई कर देंगे, इस पे यहाँ पे ये देखिए ऐसे इसको सीधा रखेंगे
और इसको सीधा रखेंगे। देखिए ये मेरा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। पहले हम सीधा रखें, इसी पे ऐसे थोड़ी सी सिलाई कर देंगे, फिर इसको हम पलट कर करेंगे। इससे क्या रहेगा, ये कपड़ा रेसा निकलेगा भी नहीं और चुभेगा भी नहीं। देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे सीधा थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट सिल देंगे। ये देखिए ये हो गया है। अब इसको हम ऐसे ही पलट कर ऐसे करके सिलेंगे। ये देखिए इधर से मेरा दिखेगा भी नहीं कपड़ा, ऐसे हम सिल के ऐसे पलट देंगे और चुभेगा भी नहीं इस तरीके से। अब यहाँ से हम इधर से भी इतना ही क्लीन है, ये रेशा नहीं दिख रहा जो मेरा अंदर वाला था। और ये देखिए ये भी, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देखिए रेशा ऊपर नहीं दिख रहा और चुभेगा भी नहीं। ये छोटे छोटे जो रेशे होते हैं ना, चुभने लगते हैं। मेरा बेबी फ्रॉक है, सॉफ्ट भी काफ़ी है पहनने में होगा। अब इसी तरीके से जैसे हम इधर ज्वाइन किए हैं, वैसे हम इधर भी इस वाले पार्ट को, ये पहले हम ऐसे सीधा करके इस सेंटर पॉइंट मिला देंगे। ये मेरा बराबर है। अब इसको हम ऐसे थोड़ी थोड़ी सिलाई करके फिर उसके बाद हम पलट कर जिस तरीके से हमने यहाँ किया है वैसे हम यहाँ भी करेंगे। सिल दिए हैं, अब इसको ऐसे ही पलट कर ये ऐसे इसको करके यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। यहाँ पे आप लॉक कर दीजिए दो से तीन बार। अब यहाँ पे भी ऐसी सीधा चले आएंगे नीचे तक हमारे। एक तो ये चुभेगा नहीं, दूसरा ये बहुत ही सुंदर, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसमें। ये देखिए ये चुभेगा नहीं इस तरीके से मेरा। ये देखिए ये उल्टा साइड है, ये जिप लगी हुई है। अब इसको हम सीधा करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हमने जो स्मोकिंग डिज़ाइन की थी, ये थोड़ी थोड़ी मेरी पीछे भी आ गई। ये टक्स है जहाँ पे हमने, ये देखिए इसी टक्स में ये कपड़े को ये हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है। ये बैक पार्ट मेरा हो गया, थोड़ी सी स्मोकिंग टक्स डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गई। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये दिखा। अब हम आपको फ्रंट पार्ट दिखा रहे हैं। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ये अब इसमें हम जो हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की है उसी को हम इसी में ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने आपको दिखाया था कि ये टोटल चेस्ट यानी कि बेबी फ्रॉक है, ये मुझे 11.5 फ्रंट पार्ट का चाहिए। ये देखिए 11.5 एकदम परफेक्ट, यहाँ पे भी और मेरा यहाँ पे भी। ये देखिए 11.5 यहाँ से, देखिए 11.5 इधर भी है और 11.5 मेरा इधर भी है। तो टोटल मेरा ये चेस्ट यानी कि 23 इंच कंप्लीट हुआ। ये देखिए जो हमने अम्ब्रेले फ्रॉक की कटिंग की है, ये देखिए नीचे का शेप है ये। अब इसी ये यही नीचे वाला हम इसमें यहाँ पे ये नीचे ऐसे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे ये मेरा ज्वाइंट होगा। उससे पहले ये देखिए हमने ये चारों तरफ मेरा ये
घटक हो चुका है, इसीलिए हम इसको हम गोल शेप में ही राउंडिंग शेप में इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ऐसे में इसको नापते हुए यहाँ से यहाँ तक है। ये देखिए हमने थोड़ा सा ही बढ़ा के कट किया था, ये इतना ही, यही मुझे यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। पहले हम इसको तैयार करेंगे, नीचे वाले पार्ट को इसको हम ऐसे सिल देंगे, उसके बाद हम इसमें आपको ज्वाइन करना दिखाएंगे। ये देखिए हम इसको यहाँ से, ये देखिए हमने यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया इतना लेके, अब इसको हम पूरा ही नीचे वाले पार्ट को कंप्लीट कर देंगे सिल के अच्छे से। नीचे तक हम सिलते हुए चले आएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे डबल सिलाई कर देंगे, ये मेरा खुलेना मजबूती के लिए। जब भी आप डबल सिलेंडर लाइए कि थोड़ा सा आप इधर रहिए, इस ऐसे नहीं कि उसी पे मुझे करना, नहीं आप इधर रखिए थोड़ा सा। ये देखिए ये मेरा ज्वाइन हो गया, ये ऐसे। अब इसको हम इसी में ज्वाइन करेंगे। देखिए जो हमने जिप लगाई है ये मेरा ऊपर साइड होगा और हम इसका ये ऐसे, अब इसको हम उल्टा कर देंगे। देखिए उल्टे साइड से अब हम यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक पूरा चले आएंगे। पॉइंट मिला लेना है, नाप लेना है हमको इंची टेप से कि ये चीज़ मेरा बराबर होना चाहिए, जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए। अब देखिए हम इसको यहाँ पे हम नापना शुरू कर रहे हैं। अब ये जो हमने सिलाई की ये देखिए ये वाली, अब यहाँ से हम इसको नापेंगे। ये देखिए 3 इंच में मेरा 2 पॉइंट, ये देखिए ये कम है। अब इधर भी मेरा इतना ही होना चाहिए, मुझे इतना ही नापना है। देखिए ये भी उतना ही है जितना उधर साइड है, ये मेरा सेंटर पॉइंट बराबर हुआ। अब इसको हम लेके ऐसे करके ये देखिए ये सेंटर पॉइंट बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप चौक से निशान लगा दीजिए इधर साइड और इधर साइड निशान लगा दीजिए। आप निशान भी लगा सकते हो, थोड़ी सी चाहे निशान लगाइए चाहे आप कैंची से कट कर दीजिए, थोड़ी सी कट कर दी कैंची से, ये निशान मिट भी जाएगा फिर भी ये मेरा कटिंग वाला निशान, ये देखिए जो हमने कैंची से कट किया है ये बराबर दिखता रहेगा। अब ऐसे ही हम इसको लेके ये देखिए जहाँ से हमने ये सिलाई की है, अब यहाँ से हम इसको ये पॉइंट से ऐसे मिलाते हुए ये पूरा राउंडिंग शेप यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ज्वाइन करते हुए चलेंगे। देखिए ये मेरी उल्टी साइड है, ये सीधा है, तो सीधे वाली साइड से जहाँ से हमने सिलाई लगाई है ये इसको पॉइंट को पकड़ेंगे। ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे कट किया है साइड साइड में एक पॉइंट, हम इसको इधर से ये देखिए ये यहाँ से हम ऐसे, ये सीधा साइड है ये भी मेरा सीधा साइड है, हम इसको ऐसे हम करते हुए पूरी सिलाई करके दिखाएंगे आपको। उसको ऐसे कर बराबर थोड़ा थोड़ा कर देंगे। ये इधर है तो मेरा ये दिखने में अच्छा दिखता है।
इधर आप नीचे भी देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर भी देख लीजिए, कपड़ा ये कहीं से भी मुड़े ना। ये मेरा एकदम परफेक्ट हमने नाप कर पॉइंट से पॉइंट मिला के टक किया, तो ये देखिए ये पूरा एकदम बराबर है। ये देखिए ये बैक पार्ट है ये, और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब इसको हम सीधा करके देखेंगे। ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे भी इतनी बराबर स्मोकिंग आई है, और यहाँ पे भी जो हमने स्मोकिंग डिज़ाइन फ्रंट पार्ट में की है, ये देखिए पूरा फ्रंट पार्ट में मेरी पूरी स्मोकिंग डिज़ाइन है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और ये मेरा नीचे का पार्ट है, ये जो हमने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की है, ये देखिए हमने ज्वाइन कर दिया। मेरा पूरा अम्ब्रेला फ्रॉक यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीट हो गया, और पीछे हमने टक्स डाल दिया है, और यहाँ पे हमने जिप लगा दी है, इससे बहुत ही सुंदर दिख रहा है, अलग सा लुक आ गया। अब यहाँ पे हम डिज़ाइनर पट्टी को ज्वाइन करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम डिज़ाइनर जो है, हमने बताया था कि यहाँ पे ये हम यहाँ पे ऊपर हम डिज़ाइनर पट्टी लगाएंगे बेबी फ्रॉक में, तो इसी के लिए हम पट्टी को कट कर रहे हैं जो हमने टक्स ये तैयार किया है कपड़े में। इसी कपड़े से हम बनाएंगे। देखिए इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखी, 4.5 इंच पट्टी की चौड़ाई, 4.5 इंच है। ये मेरी मुझे दोनों साथ में ही बनाना है, तो ये मेरा छोटा है, तो इसमें हम कट करके इसी की साइज का ज्वाइन करेंगे। ये देखिए हमने इसी की साइज की ये दूसरी वाली पट्टी कट कर ली है 4.5 इंच की। अब इसको हम ये देखिए ये मेरा सीधा है, ये टक्स वाला है जो हमने टक्स किया कपड़ा, और ये भी सीधा है जो हमने डिज़ाइन की है। अब इसको हम सीधे पे सीधा रख के अब इसको हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। टॉप स्टिच सिलन, ये देखिए हमने ये देखिए ऊपर से हम टॉप स्टिच सिलाई कर लेंगे ऐसे। ये देखिए इसको चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखी थी, अब इसकी हम लंबाई आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 37 इंच यानी कि 37 इंच मेरी लंबाई ये कंप्लीट हुई है। ये पट्टी की लंबाई है और ये मेरी पट्टी की चौड़ाई है, देखिए 4.5 इंच। ये देखिए हम जो पट्टी डिज़ाइनर पट्टी बनाने जा रहे थे वही हम दिखा रहे हैं। यहाँ से साइड से ये जो मेरा एक बॉक्स टक्स का है ये हम इसको छोड़ पट्टी तैयार होगी। अगर आपको सिंपल कपड़े में ही बनाना है, जैसे कि कपड़ा है ये आपका, ये आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे टक्स ये नहीं करना है टक्स पॉइंट, तो आप सिंपल कपड़े में भी बना सकते हैं। यहाँ से आप 1 इंच छोड़िए और 3 इंच आप लीजिए ये लेके उस ये पहले सबसे पहले तो आपको यही करना है, सिल के पलट देना है, फिर उसके बाद 1 इंच आप छोड़िए। 1 इंच छोड़ने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक आप 3 इंच लीजिए, 3 इंच लेने के बाद आप इसको ऐसे सिल दीजिए, फिर आप 1 इंच को छोड़िए, फिर आप 3 इंच को लीजिए, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर करके आप इस तरीके से डिज़ाइनर पट्टी तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये देखिए ये मेरी सीधी साइड है, सीधी साइड से इसको ऐसे हम उल्टा ये फोल्ड करेंगे। अब ऐसे ही हम पहले इसको हम सिलाई कर दें, क्योंकि मुझे सबसे पहले आपको पलटना है। आप ऐसे करके चाहे आप टक्स बनाइए ना बनाइए, सिंपल ही बनाइए, लेकिन सबसे पहले आपको सिलाई देखिए
14 इंच आप लीजिए ये लेके उस ये पहले सबसे पहले तो आपको यही करना है, सिल के पलट देना है, फिर उसके बाद एक इंच आप छोड़िए। एक इंच छोड़ने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक आप 3 इंच लीजिए। 3 इंच लेने के बाद आप इसको ऐसे सिल दीजिए, फिर आप 1 इंच को छोड़िए, फिर आप 3 इंच को लीजिए, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर करके आप इस तरीके से डिज़ाइनर पट्टी तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी सीधी साइड है, सीधी साइड से इसको ऐसे हम उल्टा ये फोल्ड करेंगे। अब ऐसे ही हम पहले इसको हम सिलाई कर दें, क्योंकि मुझे ये सबसे पहले आपको पलटना है। आप ऐसे करके चाहे आप टक्स बनाइए या ना बनाइए, सिंपल ही बनाइए, लेकिन सबसे पहले आपको सिलाना है। देखिए ये देखिए हमने पट्टी को ये पूरा सिल दिया है। अब इसको हम पलटेंगे। पलटने के लिए देखिए हम यहाँ पे ये एक साइड हम ये इसको लॉक कर देंगे, सिलाई कर देंगे, और एक साइड हम यहाँ पे ये छोड़ देंगे, तो हम यहाँ पे सिलेंगे। ये हमने इस साइड जो लॉक किया है, इस साइड मेरी ये देखिए ये खुला हुआ है। अब हम इसको कैसे पलटेंगे, आप पेन पेंसिल कुछ भी किसी चीज़ से भी, ये मेरे पास कैंची है अभी ये देखिए पतली वाली, तो हम इसी से पलटेंगे। ये देखिए ये जो है ये जो सिला हुआ यहीं पे ऐसे करके ये पेन पेंसिल आप किसी से भी पलट लीजिए, बहुत ही अच्छे से पलट जाता है और जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए फटाफट फटाफट ऐसे, देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये हमने इसको पलट लिया है, तो वो भी बहुत ही जल्दी। अब इसको हम सीधा करते हैं, ये देखिए ये पट्टी मेरी तैयार। अब इसमें हम आपको दिखाएंगे वैसे जैसे हमने पहले बताया था कि ये हमने टक्स की पट्टी सिल जो सिली थी उसको हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम ये देखिए 2 बॉक्स को छोड़ेंगे ये, और 3 बॉक्स को लेके हम ये डिज़ाइनर पट्टी कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 छोड़ दिए, 1 2 3 ऐसे हम इसको मिला लेंगे और इस तरीके से ऐसे पॉइंट पे, अब यहीं पे हम ये सिलाई करेंगे। ये देखिए जो हमने टक्स बनाए हैं ना, इससे थोड़ी सी इधर होनी चाहिए सिलाई। देखिए ऐसे अब हम 1 बॉक्स को छोड़ेंगे, फिर हम 3 बॉक्स को लेके बनाएंगे, 1 2 3। देखिए ये मेरा 1 बॉक्स छूटा हुआ है, इस पर हम ऐसे इसको देखिए कुछ इस तरीके से फ्लावर मेरे बनके तैयार होंगे। ये देखिए 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये बनने के बाद ये पहले ऐसे था, अब इसको हम ऐसे कर देंगे ये। इसी तरीके से हम पूरे में पूरे कपड़े में ये डिज़ाइनर पट्टी को कंप्लीट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हम 1 बॉक्स को छोड़ेंगे, 3 बॉक्स को लेंगे, 1 2 3। Thank you.
मेरी पट्टी, ये हम डिज़ाइन बना दिए हैं। इसी तरीके से हम जैसे ये वाली पट्टी तैयार की है वैसे हम दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे। अब इसमें देखिए हम